हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू मास्टर मेकर टेक। आज हम बनाने जा रहे हैं नान कटाई, और वो देसी घी में बनने वाली है बिल्कुल। और इसके लिए हमें चाहिए ये 1.5 कटोरी मैदा है, 1 कटोरी पाउडर शुगर, आधा कटोरी है घी, आधा कप भी ले सकते हो आप, यह है इलायची पाउडर, और गार्निश के लिए थोड़ा सा पिस्ता। सबसे पहले तो हम लेंगे बड़ी सी थाली या परात या कोपर भी लिया तो भी चलेगा, और जो हमने घी लिया है वो इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे। और इसको हाथों से अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा फ्लफी होने देंगे घी को। इस तरह से गाढ़ा हो गया, बस 1 मिनट लगा है फेंटने के लिए, और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है घी। ये देखो अच्छे से बन गया है। अब इसमें डालेंगे हम पाउडर शुगर। थोड़ी थोड़ी करके डालना है। और अच्छे से फेंटना है इसको। और थोड़ी सी डाल देंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से फ्लफी कर लेना है इस तरह से, और इसके बाद डाल लेना है हमें मैदा। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल देना है। और इसको आराम से हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। यह है इलायची पाउडर जो हम डालना भूल गए थे, वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बचा हुआ है मैदा है वो 1 कटोरी पूरा हो गया है, ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो बचा हुआ आधी कटोरी मैदा है ये भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा ही रखना है हमें। और जो हमने घी बचा कर रखा था वो डाल लेंगे थोड़ा सा।
अगर लगा तो घी डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। और मैदा डाल देंगे, यह हमारा आटा बिल्कुल गूंद के तैयार है। इस तरह से हमें सॉफ्ट आटा गूंदना है, बिल्कुल इस तरह से। अब इसकी हम छोटी छोटी लोया तोड़ लेंगे, पेड़े बना लेंगे। बड़ी सी मोटी वाली तले की कढ़ाई लेंगे, गैस चालू कर देंगे और इसमें छोटा सा पतीला रख देंगे और इस पर ढक्कन रख के प्रीहीट होने देंगे 10 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे। का बर्तन है, आप कोई भी थाली भी ले सकते हो। इसमें हमें बेक करना है नान खटाई को और इसमें डाल देंगे हम बटर पेपर। अब छोटी छोटी इसके पेड़ तोड़ लेंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है इस तरह से। तरह से गोल गोल बना के हल्का से इसको दबा लेंगे। इस तरह से और बटर पेपर पर रख देंगे। इस तरह से बनाकर हल्के हाथों से दबा देंगे। हमारी नान खटाई बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए पिस्ता डाला है। अब आराम से कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे, कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे आराम से और इसमें रखेंगे। ढक्कन रख के मीडियम फ्लेम पे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। बीच में खोलकर देखेंगे, थोड़ी देर बाद इसे चेक करेंगे और फ्लेम मीडियम ही रहनी है, रखनी है। 15 मिनट बाद हम इसे खोलकर देखेंगे। देखो अच्छे से बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल थोड़ी सी 2 मिनट तक होने देना है। अगर आपको ज़्यादा कड़क चाहिए तो आप और 5 मिनट होने दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा ढककर रखेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसे खोलकर देखेंगे। अब आराम से इसे निकालेंगे। ये हमारी गर्मा गर्म नान कढ़ाई बिल्कुल बन के तैयार है। ये देखो बहुत ही अच्छे से पक गई है। थोड़ी सी गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखो अच्छे से फूल गई है।
अगर आपको मेरी नान खटाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठंडी होने के बाद हम इसे तोड़ कर देखेंगे। देखो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है और अंदर से बहुत ही फ्लफी हो गई है। ये देखो एकदम नरम है।